गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सब्जेक्ट साइंस क्लास 2 चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नेम इज बोन्स एंड मसल्स। सो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में बोन्स एंड मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट फील योर बॉडी, फील योर राइट हैंड विद द फिंगर ऑफ योर राइट लेफ्ट हैंड। सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या करें कि अपने राइट हैंड को, ठीक है, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की फिंगर से हम लोग क्या करेंगे, उसको फील करेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग क्या फील करेंगे कि फील समथिंग हार्ड, हम लोग कुछ हार्ड फील करेंगे, ठीक है। जब हार्ड फील करेंगे इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स दिस हार्ड थिंग इज अ बोन। उसे क्या कहते हैं, जो हार्ड थिंग्स को हम लोग फील कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, बोन्स बोलेंगे, ठीक है। बोन्स मीन्स होता है हड्डी। डू यू फील समथिंग सॉफ्ट, उसके बाद कुछ सॉफ्ट भी फील करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो सॉफ्ट फीलिंग्स क्या शो करता है, सॉफ्ट फीलिंग शो करता है मसल्स को, ठीक है। तो मसल्स, ठीक है, मसल्स भी मांसपेशियां होता है। द सॉफ्ट पार्ट इज मसल, जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, बॉडी में मसल होता है। और बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स, हमारा जो बॉडी है वो बोन्स एंड मसल्स का बना हुआ है। बोन्स आर हार्ड एंड मसल्स आर सॉफ्ट। बोन्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और मसल्स क्या है, सॉफ्ट होते हैं। और स्किन कवर द बोन्स एंड मसल्स, ये हमारे जो स्किन है वो क्या करता है, बोन्स और मसल्स को कवर किए हो रहता है ऊपर से, ठीक है। बोन्स एंड मसल्स टुगेदर गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। बोन्स और मसल्स ये एक साथ मिल करके हमारी बॉडी को सपोर्ट देते हैं और शेप देते हैं। और बॉडी हैज 206 बोन्स, हमारी बॉडी में टोटली 206 बोन्स होते हैं। एंड मोर देन 600 मसल्स, एंड मोर देन 600 यानी कि 600 से भी ज्यादा मसल्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्या, बोन्स एंड मसल्स। तो बोन्स और मसल्स के डिफरेंस हम समझ गए, बोन्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, एंड मसल्स सॉफ्ट होते हैं। और बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। सो स्टूडेंट्स और नेक्स्ट टॉपिक इज मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर। सो मसल्स एंड बोन्स टुगेदर वर्क टुगेदर, यानी कि क्या है कि मसल्स और जो बोन्स है वो टुगेदर वर्क करते हैं, एक साथ मिलकर के काम करते हैं, वो सिंगल सिंगल कभी भी काम नहीं करते हैं। एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, किसी भी तरह का मूवमेंट जो है हमारी बॉडी में वो किसके हेल्प से होता है, मसल एंड बोन्स के, बोन्स के होता है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है, द मसल्स आर फिक्स टू द बोन्स एंड हेल्प देम टू मूव। देखिए मसल जो है वो बोन्स के साथ जुड़ा होता है, मसल जो है बोन्स के साथ जुड़ा होता है और हमें हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। ए वेट लिफ्टर लिफ्ट वेट विद द हेल्प ऑफ हिज बोन्स एंड मसल्स। जो वेट लिफ्टर होते हैं, वेट उठाने वाले, वो वेट कैसे उठाते हैं, किसकी हेल्प से वेट उठाते हैं, वो अपने मसल्स एंड बोन्स के हेल्प से वेट को, किसी भी वेट को, हेवी वेट को उठा पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मसल्स एंड बोन्स हेल्प ए स्विमर टू स्विम। मसल्स और बोन्स ही हैं जो कि हेल्प करते हैं स्विमर, स्विमिंग होता है तैरना, स्विमर जो होते हैं और तैरने वाले क्या बोलते हैं, स्विमर बोलते हैं। तो स्विमर को स्विम करने के लिए जो हेल्प करते हैं हमारे बॉडी में पार्ट्स, वो हैं बोन्स एंड मसल्स। मसल्स एंड बोन्स हेल्प टू ए क्रिकेटर टू बॉल। जो क्रिकेटर होता है, बॉलिंग करने वाले जो क्रिकेटर होते हैं, उनको बॉल करने के लिए ये मसल्स एंड मसल्स ही होते हैं और बोन्स होते हैं जो उनको बॉल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, मसल्स एंड बोन्स हेल्प ए साइकिलिस्ट टू पैडल। जो साइकिलिस्ट होते हैं, साइकिल रेस में भाग लेते हैं या फिर साइकिल चलाने में, हम लोग देखते हैं, हम लोग खुद भी साइकिल चलाते हैं, तो उस साइकिल के जो पैडलिंग करते हैं, हम लोग पैडल चलाते हैं, वो किसके हेल्प से, हमारे लेग्स के मसल्स जो होते हैं और बोन्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, साइकिल के पैडल को मूव करते हैं। वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स ओनली इफ वी हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स। ये जितने भी तरह के हमने यहाँ पर बात की, यहाँ पर या फिर स्विमिंग करना या वेट लिफ्टिंग या फिर पैडल, साइकिल के पैडल को लिफ्ट करना है ना, मूव करना, या हमारे बॉडी के किसी भी तरह का मूवमेंट जो मूव होता है वो किसके हेल्प से होता है, वो सब जो है वो हमारे बॉडी के स्ट्रांग मसल्स एंड बोन्स के वजह से होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग समझ गए इस बात को कि मसल्स एंड बोन्स जो है वो टुगेदर वर्क करते हैं, एक साथ मिलकर के काम करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं। और ये जो है हमारी बॉडी के मूवमेंट में और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज करने में हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज मेक्स मसल स्ट्रांग।
ओके, व्हेन आवर बॉडी पार्ट्स मसल्स एंड बोन्स व्हेन नॉट इन यूज दे बिकम वीक. सो मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन वी यूज देम रेगुलरली. मसल्स को और बोन्स को जो है अगर रेगुलरली यूज ना किया जाए तो वो वीक हो जाते हैं. ठीक है, तो मसल्स और बोन्स जो है उनको स्ट्रांग रखने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको रेगुलरली यूज करना पड़ेगा. रेगुलरली यूज करने का मीनिंग क्या है कि एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हमारी बॉडी को रेगुलरली एक्सरसाइज करना पड़ेगा. दैट इज वाई स्पोर्ट्स पर्सन एक्सरसाइज एवरी डे. यही वजह है, यही कारण है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या फिर क्रिकेटर हो या फुटबॉलर हो या फिर कोई भी एथलीट हो, ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, वो क्या करते हैं रेगुलरली पर डे क्या करते हैं वो या एवरी डे एक्सरसाइज करते हैं. क्यों? क्योंकि वो उनका जो मसल्स है और बोन्स है वो रेगुलर जो है यूज में रहे, जिससे क्या होगा कि जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग बनेंगे. वॉकिंग जॉगिंग एंड लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आर इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ. देखिए वॉकिंग जॉगिंग एंड लाइट स्ट्रेचिंग, लाइट स्ट्रेचिंग कहने का मतलब है कि हल्का सा जो एक्सरसाइज होता है हमारे मसल्स के स्ट्रेचिंग वाला, ठीक है, पीटी एक्सरसाइज, वो उस टाइप की जो एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट है हमारे गुड हेल्थ के लिए. Eating healthy food help to make our muscles strong. और उसके साथ साथ exercise से तो strong होता ही है muscles. उसके साथ साथ जो है healthy food भी खाना चाहिए. Healthy food क्या करते हैं, हमारे body के muscles को bones को strong करते हैं. So students, तो exercise makes muscle strong. Exercise क्या करता है कि muscles को strong करते हैं और healthy food जो है वो हमारे muscles को bones को strong करते हैं. So students, our next point is posture. Posture means होता है आसन. ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पोस्चर के बारे में. पोस्चर इज द पोजीशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी व्हेन वी सिट स्टैंड एंड मूव. पोस्चर क्या होता है, पोस्चर एक पोजीशन होता है जो कि क्या करता है, बॉडी होल्ड करता है. व्हेन वी सिट जब हम लोग बैठते हैं, स्टैंड खड़े रहना और मूव चलना. ठीक है, जब भी हम लोग बैठते हैं खड़े रहते हैं या फिर मूव करते हैं तो उस पोजिशन को क्या बोलते हैं, पोस्चर बोलते हैं. ठीक है ना, मिस आसन, कौन से आसन में हम लोग, कौन से पोस्चर में हम लोग चलते हैं, कौन से पोस्चर में बैठे हुए हैं, किस पोस्चर में हम लोग मूव कर रहे हैं, तो ये होता है पोस्चर. ठीक है, अब देखिए यहां पर वी मस्ट सिट एंड स्टैंड स्ट्रेट. अब राइट पोस्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि राइट पोस्चर क्या होता है, सही जो है आसन वो क्या होता है. जैसे यहां पर दिया हुआ है वी मस्ट सिट एंड स्ट्रेट स्ट्रेट, है ना, वी मस्ट सिट एंड स्टैंड स्ट्रेट दिया हुआ है. यानी कि हम लोग जो है, हम लोगों को क्या, सीट मीन्स होता है बैठना, बैठना और जो स्टैंड खड़े रहना वो क्या होता है, उसका राइट पोस्चर क्या है, स्ट्रेट, सही, सीधे सीधे बैठना चाहिए और सीधे खड़े रहना चाहिए. ठीक है, ये हमारे राइट पोस्चर है बैठने और खड़े रहने के लिए. वी मस्ट वॉक अपराइट, हम लोग को हमेशा अपराइट यानी कि ऐसे मूव करना चाहिए, अपराइटली, ठीक है, डाउनवर्ड नहीं, अपराइट मूव करना चाहिए, स्ट्रेट होकर कैसे मूव करना चाहिए. दीज आर करेक्ट पोस्चर, ये सब क्या है, ये सब करेक्ट पोस्चर है हमारी बॉडी के, स्टैंड सिट एंड मूव के लिए. द करेक्ट पोस्चर गिव प्रॉपर शेप टू आवर बॉडी. जो करेक्ट शेप पोस्चर होता है वो हमारी बॉडी को क्या देता है, वो प्रॉपर शेप देता है. ठीक है, इट हेल्प ऑल द पार्ट ऑफ आवर बॉडी वर्क प्रॉपरली, और ये हमारे बॉडी पार्ट को प्रॉपरली वर्क करने में भी हेल्प करता है. ठीक है, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट है, मसल्स हो गए, बोन्स हो गए, लेग्स, हैंड्स, ये सब टोटली को प्रॉपर वर्क करने में क्या करता है, गुड पोस्चर हेल्प करता है. इट मेक्स अस लुक स्मार्ट, और ये हमारे हमारी बॉडी को स्मार्ट लुक भी देता है. गुड पोस्चर जो होता है वो हमारी बॉडी को स्मार्ट लुक देता है. वी मस्ट सिट स्ट्रेट व्हेन वी वर्क ऑन ए कंप्यूटर. हम लोगों को जब कंप्यूटर पे हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को जरूरी है कि हम लोग स्ट्रेट सिट करें, है ना, ऐसे डाउन में नहीं, स्ट्रेट सिट करना चाहिए चेयर पर. तो इससे क्या है कि ये हमारा गुड पोस्चर होगा कंप्यूटर पे वर्क करने का, स्ट्रेट सिट करना. तो एक गुड पोस्चर क्या है, हमारे बॉडी को क्या क्या दे सकता है, एक प्रॉपर शेप दे सकता है हमारी बॉडी को, स्मार्ट लुक दे सकता है. ठीक है, और बॉडी पार्ट्स की जो फंक्शन है उसको प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करेगा. तो स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या रीड किए, हम लोग रीड किए बोन्स एंड मसल्स के बारे में, डेफिनेशन का समझे हम लोग, उसके बाद एक्सरसाइज मेक स्ट्रॉन्ग और मसल्स. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर चैप्टर विल बी एंड, अब हम लोग एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए. तो फर्स्ट में ए नंबर में हमारे क्या क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर. इनमें से कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही ऑप्शन होगा उस पर टिक करना है करेक्ट का. ठीक है, तो पहला क्या है क्वेश्चन, मसल्स बिकम स्ट्रांग इफ वी, मसल्स कब स्ट्रांग होंगे, जब हम
एक्सरसाइज करेंगे या कार्टून वॉच करेंगे या फिर रीड करेंगे बुक को, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज। जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो स्ट्रांग होगा हमारा मसल। अब देखते हैं स्पोर्ट्स मैन एक्सरसाइज। स्पोर्ट्स मैन एक्सरसाइज करते हैं कब? डेली, वंस ए वीक या वंस ए मंथ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेली, क्योंकि एवरी डे करते हैं हम लोग एक्सरसाइज स्पोर्ट्स मैन। थर्ड नंबर, करेक्ट पोस्चर गिव प्रॉपर शेप टू ओनली आवर लेग्स, सिर्फ हमारे लेग को, या ओनली आवर हैंड्स, हैंड को, या फिर आवर होल बॉडी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवर होल बॉडी। ठीक है, क्योंकि गुड पोस्चर जो है और होल बॉडी को प्रॉपर शेप देता है। ठीक है, अब बी नंबर आते हैं हम लोग, राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स। ट्रू फॉल्स वाला ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट्स को, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है कि अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली बोन्स, हमारा बॉडी सिर्फ बोन से भरा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है बोन्स और मसल दोनों से बनी हुई है, ये क्या हो जाएगा? एफ, एफ फॉर फॉल्स। अब सेकंड, बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, बोन्स जो है वो शेप और सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को, ये ट्रू है। थर्ड, मसल्स एंड बोन्स वर्क टूगेदर, मसल्स और बोन्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, वर्क करते हैं टूगेदरली, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। फोर नंबर, मसल्स एंड बोन्स हेल्प ए स्विमर टू स्विम, मसल्स और बोन्स जो है वो स्विमर को स्विम करने में हेल्प करते हैं, ये भी ट्रू है स्टेटमेंट। फाइव नंबर, वी शुड नॉट वॉक अपराइट, तो ये तो फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे कि वी शुड ऑलवेज वॉक अपराइट, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि नो, शुड नॉट बोल रहा है, इसका मतलब कि बोल रहा है नहीं करने के लिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। तो यहां जाकर के हम लोग का टिक आउट वाला क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर हम लोग को देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर आवर बोन्स एंड मसल्स यूजफुल, हमारे बोन्स और मसल्स कैसे यूजफुल हैं, इसका आंसर हो जाएगा बोन्स एंड मसल्स टूगेदर गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, दे हेल्प अस और बॉडी टू मूव। तो मसल्स और बोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को शेप देते हैं, ठीक है, गुड शेप देते हैं एंड सपोर्ट देते हैं, और ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हेल्प ए पर्सन टू स्विम, स्विमर को स्विम करने में कौन सी हेल्प करता है, मसल्स एंड बोन्स हेल्प ए स्विमर्स टू स्विम, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मेक आवर मसल स्ट्रांग, मसल्स को कैसे स्ट्रांग किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा रेगुलर एक्सरसाइज मेक्स आवर मसल स्ट्रांग, रेगुलर एक्सरसाइज से हम लोग मसल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज पोस्चर, पोस्चर क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए पोस्चर इज अ पोजीशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और मूव। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाई इज गुड पोस्चर इंपॉर्टेंट, गुड पोस्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा द गुड पोस्चर हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड टू लुक स्मार्ट, गुड पोस्चर क्या करता है, हमारी बॉडी को स्टे हेल्दी रखता है और लुक स्मार्ट देता है। तो यहां जाकर के हम लोग का टोटली क्वेश्चन एंड हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स तो चैप्टर भी एंड हो चुका है और हमारे क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब आइए कुछ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। फर्स्ट है फील, फील मींस होता है महसूस करना, ठीक है, एहसास करना। हार्ड, हार्ड मींस होता है कड़ा। सॉफ्ट मींस होता है मुलायम। टुगेदर, टुगेदर मींस होता है साथ साथ। बोन मींस होता है हड्डी। मसल्स मींस होता है मांसपेशी। शेप मींस आकार। सपोर्ट मींस सहारा। हेल्दी मींस होता है स्वस्थ। पोस्चर, पोस्चर मींस होता है आसन, आसन। सिट मींस होता है बैठना और स्टैंड मींस क्या होता है, खड़े होना। सो स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में बोन्स एंड मसल्स चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग पढ़े बोन्स एंड मसल्स के बारे में पढ़े कि जो हार्ड होता है वो बोन कहलाता है, जो सॉफ्ट होता है वो मसल्स होता है, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़े कि एक्सरसाइज मेक्स मसल्स स्ट्रांग, और क्या पढ़े कि मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर, और गुड पोस्चर के बारे में हम लोग पढ़े। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किया आपको समझ में अच्छी तरीके से आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।